बिहार एमएलसी चुनाव 2023 का रिजल्ट आपने देखा होगा। 5 सीटों पर चुनाव कराए गए, इनमें से 4 सीटों पर रेगुलर चुनाव हुए तो 1 सीट पर उपचुनाव भी हुआ। इनमें से सबसे अधिक चौंकाने वाले परिणाम सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में रहा। यहां से बीजेपी और महागठबंधन के दिग्गज उम्मीदवारों के रहते हुए निर्दलीय प्रत्याशी ने बाजी मार ली। खास बात की इस जीत ने सियासत के नए समीकरण पर भी बहस का मौका दे दिया। ऐसे में आज हम आपको बिहार एमएलसी रिजल्ट 2023 के 5 मायने बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि इसे लेकर बीजेपी और महागठबंधन के लिए ये किस प्रकार सबक होगा। सबसे पहले 5वें नंबर की बात करते हैं। इस एमएलसी चुनाव में 5 सीटों पर आए रिजल्ट ने स्वर्ण समाज की ताकत को बेशक घटाया है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी मानने लगे हैं कि स्वर्ण समाज का तिलिस्म टूटा है। दरअसल विधान परिषद में शिक्षक और स्नातक कोटे की सीटों पर हमेशा से 3 जातियों का दखल रहता था, राजपूत, ब्राह्मण और भूमिहार। बाद में इसको सबसे मजबूत चुनौती यादव जाति से मिलने लगी और शुरुआती दिनों में नवल किशोर यादव, वीरेंद्र नारायण यादव, एनके यादव जैसे लोगों ने अलग अलग सीटों पर चुनौती देने की शुरुआत की। हालांकि दरभंगा और तिरहुत सीट पर ब्राह्मणों का प्रभाव अभी बचा हुआ है, लेकिन अब मिथिलांचल में भी कुछ इसी तरीके की चुनौती मिलने लगी है। यदि जिन 5 सीटों का रिजल्ट आया है उनसे देखते हैं तो पाते हैं कि इनमें से 3 सीटों पर वर्तमान सदस्य फिर से निर्वाचित हो गए हैं। लेकिन गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र ने नई बहस को जन्म दे दिया कि क्या स्वर्ण समाज का तिलिस्म टूटने लगा है। दरअसल गया के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीतने वाले जीवन कुमार पहले गैर स्वर्ण सदस्य हैं और ये स्वर्णकार जाति से आते हैं। सबसे बड़ी बात कि बिहार में पहली बार स्वर्णकार समाज से कोई एमएलसी बना है। और खास बात कि गया सामंती प्रभाव वाला इलाका है और सामंती प्रभाव वाले इलाके में स्वर्णकार समाज के नेता की जीत सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस जीत को स्वर्ण समाज के टूटते तिलिस्म का संकेत माना जा रहा है। अब बात करते हैं 4थे नंबर की। 4थे नंबर पर बात करते हैं बीजेपी के दबदबे की। इन 5 सीटों पर मिली जीत पर यदि नजर डालें तो पाते हैं कि 2 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। हालांकि भले ही 2 ही सीटें हैं, लेकिन दोनों ही सीटें मगध क्षेत्र की है, यानी मगध क्षेत्र में बीजेपी का दबदबा बढ़ गया है। यहां से स्नातक सीट पर बीजेपी ने फिर से कब्जा जमाया तो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र को बीजेपी ने महागठबंधन से झटक लिया। महागठबंधन से हारने वाले उम्मीदवार कोई साधारण नहीं थे, बल्कि आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे पुनीत सिंह थे। और बिहार का पूरा सियासी गलियारा जानता है कि जगदानंद सिंह मतलब लालू यादव। लालू यादव के साथ ही तेजस्वी यादव को भी उन पर काफी भरोसा है, इसी वजह से पुनीत सिंह को टिकट भी मिल गई थी। ऐसे में कह सकते हैं कि पुनीत सिंह की हार आरजेडी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। अब बात करते हैं 3रे नंबर की। 3रे नंबर पर MY समीकरण के बारे में समझते हैं। ये समीकरण 2 ध्रुव पर रहने की वजह से महागठबंधन को बहुत बड़ा लॉस हुआ। बात कर रहे हैं सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में कई टर्म MLC रहे केदार पांडे का पिछले दिनों निधन हो गया था, इस वजह से वहां उपचुनाव हुआ। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से महागठबंधन की ओर से CPI ने दिवंगत केदार पांडे के बेटे आनंद को उतारा, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। यहां से निर्दलीय प्रत्याशी अफाक अहमद जीत गए, उन्हें प्रशांत किशोर का समर्थन मिला था, साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी सच्चिदानंद राय का भी समर्थन था। यदि चुनावी आंकड़ों को देखा जाए तो पता चलता है कि आफाक अहमद की जीत से जयराम यादव की बड़ी भूमिका है। दरअसल जयराम यादव ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 2000 से अधिक वोट झटके, जबकि आफाक अहमद महज 774 वोट से जीते हैं। यानी जयराम यादव को मिले 2080 वोट विशुद्ध रूप से महागठबंधन के वोट रहे थे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो सारण की दूसरी सीट पर भले ही JDU के वीरेंद्र नारायण यादव ने जीत हासिल की, लेकिन शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र पर भी यदि MY समीकरण पर फोकस किया जाता तो बेशक आफाक अहमद कहीं नहीं टिकते। फिर महागठबंधन उम्मीदवार को हराना किसी के वश की बात नहीं होती। अब बात करते हैं 2रे नंबर की। 2रे नंबर पर आपको कोसी क्षेत्र ले चलते हैं। कोसी में JDU का बोलबाला रहा, लेकिन कहें तो ये बोलबाला शारदा बाबू के परिवार का कहना ज्यादा ठीक होगा। दरअसल 4थी बार MLC बने डॉक्टर संजीव सिंह के पिता डॉक्टर शारदा सिंह की कोसी क्षेत्र के शिक्षकों में गहरी पैठ थी।
वे शिक्षकों की छोटी बड़ी समस्याओं को विधान परिषद में काफी संजीदगी से उठाते थे तथा सरकार पर उसके समाधान के लिए दबाव भी बनाते थे। इसी के चलते वे अजय शिक्षक प्रतिनिधि बने तथा अंतिम सांस तक एमएलसी की कुर्सी पर काबिज रहे थे। शारदा बाबू 1974 में पहली बार एमएलसी बने और लगातार 35 वर्षों तक इस कुर्सी पर बने रहे और उनके निधन के बाद अब उनके बेटे संजीव सिंह उनकी विरासत को और अधिक समृद्ध कर रहे हैं और तब से लगातार एमएलसी बन रहे हैं। संजीव सिंह पहली बार 2009 में मध्यावधि चुनाव में जीते थे और तब से जीत रहे हैं। इस बार तो उन्होंने चौथी बार बाजी मारी है। शिक्षकों का कहना है कि संजीव सिंह अपने पिता से भी ज्यादा हम लोगों की समस्या को सुनते हैं और सदन में बुलंदी से आवाज भी उठाते हैं, उतनी ही तेजी से सुलझाते भी हैं। यही कारण है कि 2023 में तो उन्होंने सभी की जमानत जब्त कर दी है, बीजेपी को 5वें नंबर पर ढकेल दिया। बता दें कि दलीय आधार पर पहली बार ये चुनाव में उतरे थे, जेडीयू ने इन्हें टिकट दिया था और नीतीश कुमार की भी कसौटी पर ये खरे उतरे। लोग तो ये भी कहते हैं कि इनके जेडीयू में आने से पार्टी कोसी क्षेत्र में काफी मजबूत हो गई है। अब बात करते हैं पहले नंबर की। बिहार एमएलसी की 5 सीटों के आए रिजल्ट में से बीजेपी और महागठबंधन दोनों को ही सबक लेने की जरूरत है। इन चुनावों में किसी सीट पर जहां कांटे की टक्कर हुई तो किसी सीट पर बीजेपी या महागठबंधन के दलों की एक तरफा बयार चली है। ऐसे में हर दल को अपनी कमजोर सीट को मजबूत करने की जरूरत है। अब मगध क्षेत्र को ही ले लीजिए, कहने को तो गया के दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत हो गई, लेकिन हकीकत ये है कि गया स्नातक सीट पर अवधेश नारायण सिंह को बामुश्किल से जीत मिली है। बता दें कि शुरुआती रुझान में अवधेश नारायण सिंह हारते हुए नजर आ रहे थे, दूसरी वरीयता वाले वोटों से उनकी जीत हुई, वह भी काफी कम मार्जिन से। ऐसे में क्षेत्र में महागठबंधन के साथ ही बीजेपी को भी मजबूत होने की जरूरत है। वहीं सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवार आफाक अहमद को मिली जीत ने महागठबंधन और बीजेपी दोनों के लिए सबक दिया है। इसी तरह सारण स्नातक सीट पर जेडीयू को दोबारा मिली जीत से बीजेपी को मेहनत करने की जरूरत है। रही बात कोसी क्षेत्र की, तो कोसी क्षेत्र में भले ही जेडीयू के टिकट पर संजीव सिंह की जीत हुई, लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो ये जीत जेडीयू की नहीं बल्कि संजीव सिंह की व्यक्तिगत मेहनत की जीत है, क्योंकि इसी परिवार को कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 5 दशक से जीत मिल रही है। वहीं कोसी से जिस तरह बीजेपी 5वें नंबर पर चली गई, इससे बीजेपी को तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आप बाकी के वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।